भादरा के पूर्व विधायक कॉमरेड बलवान पुनिया ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में चुरू जिले की सीट माकपा की हिस्से में आ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो चुरू लोकसभा सीट से दमखम के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। बागड़ा भवन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड बलवान पुनिया ने बताया कि सरकार ने जनता के पैसे से सड़कें बनाकर उन्हीं सड़कों पर टोल लेती हैं, ये कैसा सिस्टम। उन्होंने कहा कि सांसद राहुल कसवानी ने एक भी सड़क चुरू जिले में बिना टोल की नहीं बनाई। किसान आंदोलन की बात करते हुए पुनिया ने कहा कि सरकार किसानों का लाठी आंसू गैस के गोले सड़कों पर किलों से स्वागत कर रही है, तो इस प्रकार की सरकार का जनता चुनावों में कैसे स्वागत करेगी, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इससे पहले किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान शुभकरण सिंह को मोर रख कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं तारानगर के एडवोकेट निर्मल प्रतापत ने कहा कि 1936 में किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था और आज तक यह संगठन किसानों के हितों की रक्षा करता आया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई ओलावृष्टि के कारण अब किसानों को क्रॉप क्लेम सही करवाने की आवश्यकता है ताकि उनका क्लेम समय पर मिल सके। वहीं कार्यक्रम में उमरान सिंह किसान सभा के अध्यक्ष, तेजपाल गोदाराम मंचस्त्रे, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, कॉमरेड राम नारायण रोलानिया, कॉमरेड दीनदयाल गुलेरिया, पूर्व पार्षद सिराज खान कायमखानी, एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया आदि लोगों ने विचार प्रकट करते हुए बलवान पुनिया के चुनाव लड़ने पर सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में अनेक लोग उसको जेल कर देते हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आज ये कह दो कि हमने भाजपा ज्वाइन कर ली, वो बाहर हो जाएंगे। जितना इस्तेमाल आज के दिन ईडी का करा है, प्रयास है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 3 सीटों के बारे में प्रस्ताव भेजे, उसमें से चूरू सीट के बारे में पार्टी मांग करेगी कि चूरू मिले। इंडिया गठबंधन से अगर ये सीट मिलती है तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आज देश की मौजूदा परिस्थिति के अनुसार जिस तरीके से मोदी सरकार बड़े पूंजीपतियों के पक्षधर बनी हुई, उसे आम किसान आम जनता भारी परेशान है। लोगों को बांट करके जिस तरीके से सारी नीतियों में बड़े पूंजीपतियों को फायदा कर रहे, आज जिस तरीके से किसान आंदोलन हो रहे हैं, किसानों की शहादत दी जा रही, ऐसी परिस्थिति में लड़ना जरूरी है और लड़ करके मोदी और शाह की सरकार को हटाना जरूरी है। इंडिया गठबंधन जो भी आदेश करेगा, जो भी गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो मिलकर के तय करेंगे, उसी हिसाब से चुनाव में आगे बढ़ेंगे। आपने कहा सांसद ने एक भी सड़क है वो बिना टोल के नहीं बनवाई, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो आपके सामने, यहाँ से आप ठेठ भादरा तक चले जाओ, उनकी जो सड़क बनवाई हुई है कोई कहे आपको मिले तो बिना टोल मिले तो मेरे को दिखा दे। दूसरी बात, वो कौन सा अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आया था कि हमने वो हाईवे स्वीकृत करवा दिया, वो हाईवे स्वीकृत करवा दिया, 10 साल हो गए हमें सुनते हुए। गोगा मेडी में आए थे आपके नितिन गडकरी जी, विधानसभा चुनाव से पहले जो उन्होंने यात्रा शुरू करी थी, भादरा के 2 ओवरब्रिज की घोषणा करके गए थे, वो तारीख रही होगी 25 या 26 या 27 सितंबर। उस दिन नितिन गडकरी आकर के, केंद्र के मंत्री जो सड़क मंत्री भी, वो आकर के कह के घोषणा करके गए थे कि 2 ओवरब्रिज बनेंगे सड़कों, एक रुपए स्वीकृत नहीं हुआ। तो इनकी झूठी घोषणा है, काम दाम कुछ नहीं करा 10 साल में। ये सारी परिस्थितियां लोकसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं। इस परिस्थिति में हम समझते हैं कि इन लोगों के खिलाफ मजबूती से मैदान में उतरा जाए, इनको परास्त। सुजानगढ़ के मांडिता क्षेत्र में पेयजल के अवैध कनेक्शन की शिकायत पर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता पुलकेश शर्मा ने टीम का गठन किया, जिस पर जलदाय विभाग के कर्मचारियों की टीम ने 7 अवैध कनेक्शन मांडिता रोड पर हटाए हैं। शंकर सैनी फिटर द्वितीय ने बताया कि टीम के दिनेखा श्रवण तंवर, धनराज गुजर, नानू गुदरा आदि मुख्य पहुंचे और पाया कि जांगिड़ समाज की 4 दीवारी के पास में 3 इंच की पाइपलाइन में से कुछ लोगों ने 1.5 इंच के पाइपलाइन डालकर अवैध कनेक्शन कर रखे हैं। शंकर सैनी ने बताया कि इस पर मूलाराम जाट, मघाराम जाट, धर्माराम डुकिया, शंकरलाल प्रजापत के घरों के अवैध कनेक्शन हटाए गए हैं। इसी प्रकार 3 नोहरों में से भी अवैध कनेक्शन हटाए गए हैं। जलदाय विभाग की इस कार्रवाई से अवैध कनेक्शनधारियों में हड़कंप मच गया। श्रवण तंवर ने बताया कि नियमित पेयजल कनेक्शन 0.5 इंच की पाइप से होता है, जबकि अवैध कनेक्शनधारियों ने 1.5 इंच मोटे पाइप से अवैध पेयजल कनेक्शन कर रखे थे। यूनियन फेयरबल है, इसमें कुछ भी नहीं लगा, डायरेक्ट लगा हुआ है, 1.5 इंच का कनेक्शन है, ये देख लो। ये होना ऐसा सही है, लेकिन ये टेढ़ा कर रखा है।
साइड में मंडेता के अंदर कार्रवाई की गई। सहायक अभियंता के अनुसार एन साहब पुलकित शर्मा की देख रेख में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। जो अवैध कनेक्शन है उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और मेन जो राइजिंग लाइन में कनेक्शन है उनको भी हटाने का निर्देश दिया गया है। तो पूरी टीम ने और हम सब साथ में लेके चले टीम को और कनेक्शन हटाया गया। कितने कनेक्शन पाए गए हुए? अभी तो 6 और एक पीछे 7 कनेक्शन हटा दिया। किस किस के अवैध कनेक्शन मिले? एक तो है मूलाराम रत्नाराम जाट, एक मग्गाराम रत्नाराम जाट, दो तो ये, एक शंकर प्रजापत के, वो 3-4 अन्य और है। सुजानगढ़ में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एएसपी सुनील कुमार को ज्ञापन सौंप कर व्यापारी प्रहलाद नारायण शर्मा के साथ हुई लाखों रुपयों की लूट का पर्दाफाश किए जाने की मांग की। व्यापारियों ने ज्ञापन में बताया है कि 13 फरवरी की शाम को हुई इस घटना के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है और जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान प्रेम प्रकाश सोनवाल, पार्षद पंकज गासोलिया, पवन महेश्वरी, प्रहलाद नारायण माटोलिया, जितेंद्र कुमार मिरनका, खुशीराम चांद्रा, लालचंद पिपलवा, संतोष बोचीवाल, सुभाष पारीक, राजेश सुंदरिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे।